नमस्कार, मैं करीना चौहान, टेक्निकल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार है। लोकसभा के 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। तपती गर्मी के बीच सोमवार की शाम को चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया। चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को लोकसभा की 57 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में मैदान में उतरे कई दिग्गजों की लिस्ट में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी का मुकाबला इंडी अलायंस के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान अभी बाकी है। 4 जून को सभी 7 चरणों के मतदान की गणना की जाएगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही जीत की जश्न की तैयारी में जुटी हुई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। एनडीए ने इस बार राष्ट्रपति भवन की बजाय कर्तव्य पथ पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के ठीक 1 दिन पहले 9 जून को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि बुधवार को इन तीनों राज्यों में अधिकार प्राप्त समितियों ने आवेदकों के पहले समूहों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं। इससे पहले 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव ने नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना के बाद आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट सौंपा था। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 में भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। गुरुवार को स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने पहले सिंगल स्टेज रॉकेट का सफल परीक्षण किया। अग्निवान सॉर्टेड के मिशन के तहत रॉकेट को 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके बाद रॉकेट को समुद्र में गिराया गया। रॉकेट का परीक्षण श्रीहरिकोटा के धनुष लॉन्चिंग पैड से किया गया। अग्निवान मिशन के सफल परीक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस को बधाई दी। बहुराष्ट्रीय सैन्य सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए अलग अलग देश की सेना एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करती है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी गुरुवार को अमेरिका के अलास्का के लिए रवाना हुई है। अलास्का में भारतीय वायुसेना के जवान अमरीकी वायुसेना के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24 की आगामी संस्करण में हिस्सा लेंगे। एक्स रेड फ्लैग 2 सप्ताह तक चलने वाला उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास होगा। बुधवार को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट हो गया। विस्फोट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्य प्रशासनिक सचिव और जिला प्रशासन को घायलों का उचित इलाज करवाने और व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के इलाज का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की बात कही है। बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल डीके सक्सेना ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ओएसडी आर्यन दास पर कथित रूप से निजी नर्सिंग होम के अनियमित और अवैध पंजीकरण में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। निदेशालय ने निलंबन का आदेश जारी करते हुए कहा है, पिछले महीने भी सतर्कता निदेशालय ने आर्यन दास को कोविड-19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की विभिन्न वस्तुओं की खरीद में अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका कोई जवाब आर्यन सिंह ने नहीं दिया था। दिल्ली के रोहिणी में टेक्नी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया जारी है। इंस्टीट्यूट में नए सत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए बीबीए, डीसीए और पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में दाखिले हो रहे हैं। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए एमबीए और एमसीए प्रोग्राम में प्रवेश लेने की प्रक्रिया भी जारी है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में दाखिले के लिए उम्मीदवार टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन ब्लॉक में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार इंस्टीट्यूट में विजिट करके भी दाखिला ले सकते हैं। 2 जून से T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हो रही है। विश्व कप में भाग लेने वाले सभी 20 टीमों की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। इस बीच आईसीसी ने विश्व कप के लिए लॉन्च की गई युगांडा की जर्सी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीसी ने युगांडा टीम को अपनी जर्सी में 20% बदलाव करने को कहा है। आईसीसी ने युगांडा की जर्सी में कंधे के पास बाजुओं पर पक्षियों के पंख के डिजाइन को हटाने और प्रायोजकों के लोगों को ज्यादा हाईलाइट करने को कहा है। युगांडा की जर्सी के बाजुओं पर देश की राष्ट्र पक्षी ग्रे क्राउन्ड क्रेन के पंखों का डिजाइन बना था, जिसे अब नई जर्सी में पैंट पर डिजाइन कर दिया गया। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा कई सालों बाद एक्टिंग में वापसी करने के साथ साथ ओटीटी पर डेब्यू कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा अपकमिंग सीरीज गैंग ऑफ गाजियाबाद में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज के जरिए वह पहली बार अपने बेटे लव सिन्हा के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। सीरीज गैंग ऑफ गाजियाबाद डायरेक्टर नागेश्वर चौधरी के निर्देश में बन रही है।
गैंग्स ऑफ गाजियाबाद में शत्रुघ्न और लव की पिता पुत्र की जोड़ी के साथ साथ आशुतोष राणा, जतिन सरना और सनी लियोनी भी अहम भूमिकाओं में हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज़ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।